जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहैबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, संविधान के तहत हर OBC को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। शुमाली कश्मीर की बात हुई है तो 1 अक्टूबर को यहाँ पोल होगा, वोटिंग होगी। 4 बल्कि 3 जो मुख्तलिफ अजला है, बारामूला भी उसमें इंक्लूड है, बांडीपुरा और कुपवाड़ा है, जम्मू के भी 4 अजला है, तो कुल मिलाकर 7 अजला में पोलिंग होगी। और उससे पहले बयानात और काउंटर बयानात का सिलसिला भी जारी है। इंजीनियर रशीद, जिनको कुछ ही दिन बचे हैं ऑफिशियली, हो सकता है उसके बाद वापस वो जेल चले जाएं अगर 2 तारीख से आगे मामलात नहीं बढ़ते, लेकिन इस दौरान कुपवाड़ा में उन्होंने एक बयान दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल को खूनी लकीर के साथ तशबीह दी, जिस पर उन्होंने कहा कि खूनी लकीर मिटाकर वो दम लेंगे। और इतना ही नहीं, वजीर आजम का नाम लिया, वजीर दाखिला अमित शाह का नाम लिया, डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग अब तक बेहतर हालात हों इसकी बात करते रहें, तो आइए मिलकर इस पर बात क्यों ना की जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल को खूनी लकीर जब वो कह रहे थे, तो उसी वक्त सज्जाद गनी लोन भी उनके निशाने पर थे, जिनके साथ एक मैसिव रैली के दौरान लोग जुड़ रहे हैं। कहा कि वो भी कुपवाड़ा के इलाकों को मुख्तलिफ तरीके से तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन वो बयान जिस पर खूनी लकीर के साथ उन्होंने, इंजीनियर रशीद का मानना था कि POJK को लेकर पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है और इंजीनियर रशीद और AIP की जमात इसको तायीद करती है। हमने ये लकीर खत्म करके POJK को भारत के साथ मिलाना होगा, अगर ऐसा किया गया तो इंजीनियर रशीद इसके लिए राहें हमवार करेगा। एक बड़ा बयान और डायरेक्टली उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में इंजीनियर रशीद यहाँ पर दिखे हैं। तनकीद, जवाबी तनकीद, तनकीद राय, तनकीद का सिलसिला भी चल रहा है, जहाँ एक तरफ से उन्होंने कहा कि खूनी लकीर ख़त्म करके आर पार को एक होना चाहिए और उस ख्वाब को शर्मंदे तामीर होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सज्जाद पर भी ताबड़तोड़ हमले उनकी तरफ से किए गए। तहम सियासी मुबसरीन का मानना है कि नॉर्थ में ये बयान आने के बाद मजीद सियासत गरमाए। अगर ये खूनी लकीर मिटती है तो करना से ज्यादा खुश कौन होगा? तो वो ना तू लगता आदमी निकलने चाहते हैं। हम भी तो यही 30 साल से कहते हैं, जो आज मिसाइल जो मोदी से कहते हैं कि करना के उस पार के जो लोग हैं उसको हम यहां मिलाना चाहते हैं, वो कहते हैं उनके लोग मिलना चाहते हैं। अब आप कैसे करोगे मुझे पता है, अगर मुझे पूछोगे मैं उनके पास करूंगा, उन्नीसवी कवर में करूंगा, मोदी जी के कवर में करूंगा। उनसे भी पूछो, यहां भी पूछो, खूनी लकीर मिल जाएगी, ये जो चाहे वो होगा, और करो। इसीलिए हमारा दूसरा डिमांड है, आप जो कर रहे हो करो, लेकिन खूनी लकीर मिटा दो। ये लकीर हमारे बीच में रहेगी, हाथ उठा के बोलो, वो सब उठा कोई नहीं बनेगा। आप तो नीत शादी के पहले की मिटानी है, मोदी भी कह रहा लकीर मिटानी है, हम भी कहते मिटाने में झगड़ा कैसा? आओ मिल बैठ के फैसला करें खूनी लकीर को कैसे मिटाएं। जोर से बोलो, आपको नहीं पता ये कितनी बड़ी बात यहां से हुई, अभी टीवी से मुझे दिखे रहा है ये दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है। नीत शादी कहता है खूनी लकीर मिटाओ, मोदी जी भी कहता है मिटाओ, सब कहते हैं मिटाओ, हम भी कहते हैं मिटाओ, आप मिटाए कैसे? आओ हमें बुलाओ और हमें समझाओ कि कैसे मिटाना है, हम भी मशवरा देंगे, आप भी मशवरा दो, लड़ाई झगड़ा किस बात का, उन सभी बात करेंगे और डर के खूनी लकीर मिटा दिए। जब दो जर्मनी के दरमियान, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी के दरमियान खूनी लकीर मिट सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं मिट सकती? और आप ही कहते हैं, आपके तो शारदा टेम्पल, आप शारदा टेम्पल की बात करते हो, हम खड़ा कुंभ रहे, हम कहते हैं फटाफट कर से ही चालू करो, करने के लिए पूरे कॉपरे करेंगे और करवा के रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है जो हमारी जियान पे मर रहे। इंजीनियर रशीद का नया अंदाज और नया बयान POJK को लेकर, कहा कि मिलकर इस मसले का हल करें और इस लकीर को खत्म करें, बातचीत के जरिए से लकीर खत्म हो सकती है, आगे मिलकर POJK को एक किया जाए ताकि आर पार के लोग बात करना के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, दरअसल कैंपेन वहां पर चल रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक नौजवान की करते हैं जिसकी किस्मत शायद अच्छी थी,
कि हाथ तो लगा लेकिन फौरन रिहा भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान जाने के फिराक में था। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।